नाज़रीन गिरामी, आज हमारा मुआशरा शदीद किस्म की लिबरलिज्म के हसार में गिरफ्तार हो चुका है, जहां सबसे पहले ख्वातीन के मर्दों के बराबर काम करने और उन्हें काम करने के वही मौके देने के हवाले से आप ख़ास तौर पर मगरबी मीडिया समेत अपने मुल्क के अंदर चलने वाली कैंपेन्स को भी देखते हैं, और फिर इससे जो खुराफात, जो मसाइल पैदा होते हैं वो भी अक्सर औकात सोशल मीडिया पर और दीगर मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर रिपोर्ट होते रहते हैं। फिर इसी बुनियाद पर ये सवाल भी पूछा जाता है कि क्या आजकल के हमारे तालीमी निज़ाम में ख़ास तौर पर जिस तरह मर्द व ख़वातीन एक साथ एक ही क्लासरूम में बैठकर को एजुकेशन हासिल करते हैं, क्या एक मर्द और एक औरत जिनका आपस में कोई रिश्ता ना हो और ना महरम हो, क्या इनकी दोस्ती जायज़ है? ये एक दूसरे के साथ खलवत में वक्त गुजार सकते हैं या इसमें ममानत है? आज की वीडियो में इस पर तो बात करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ इसी मौजू पर होने वाले एक सोशल एक्सपेरिमेंट के मुतल्लिक भी आपको बताएंगे कि जहां एक लिफ्ट में एक खूबसूरत खातून जिसका लिबास मगरबी लिबास से कुर्बत रखता था, वो पहने एक नौजवान के साथ मौजूद थी, इस नौजवान का रद्दअमल क्या था? कैमरे की आंख ने ये रिकॉर्ड तो कर लिया, लेकिन जब सोशल मीडिया पर ये सामने आया तो इस नौजवान के मुतल्लिक क्या कहा गया, इसके मुतल्लिक भी आपको वीडियो में तफसील से आगाह करेंगे। लिहाजा आज की इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। आगे बढ़ने से कबल तमाम नए आने वाले दोस्तों से ये गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हमारी आने वाली तमाम नई वीडियोस आपको बरवक्त मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक करके शेयर करना भी मत भूलिएगा। नाज़रीन गिरामी, सबसे पहले ये जान लीजिए कि नामहरम औरत और एक मर्द के दौरान क्या रिश्ता हो सकता है। इस हवाले से उलमा ने बहुत वाज़े तौर पर बता दिया है कि नामहरम मर्द और ख़ातून के माबैन एक ही रिश्ता हो सकता है, और वो रिश्ता अज़दवाज है, यानी इन दोनों की शादी हो जाए और इसके बाद वो जिस तरह चाहें एक दूसरे के साथ खलवत में या फिर एक दूसरे के साथ किसी भी तरह से वक्त गुजार सकते हैं। लेकिन नाज़रीन गिरामी, हम जिद्दत के नाम पर और लिबरलिज्म के नाम पर आज हमारे मुआशरे में ये देखते हैं कि हर तरह हर जगह पर, चाहे वो दफातर हों, तालीमी इदारे हों, बाज़ार हों, मार्केट शॉपिंग मॉल हो, या फिर कोई दीगर ऐसी जगह हो जहाँ पर हमें मर्द व ज़न एक साथ नज़र आते हैं, तो फिर सवाल ये पूछा जाता है कि क्या मर्द व ख़वातीन की दोस्ती, इनका वक्त गुजारना जायज़ है या नहीं। नाज़रीन गिरामी, इस हवाले से कुरान करीम में उसूल वाज़े है कि जहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ख़वातीन को वाज़े हुक्म दिया कि वो नामहरम मर्दों के साथ बना बना कर नरम लहजे में बात न करें, कि इससे किसी के दिल में गलत ख्याल पैदा होगा और उसके दिल के अंदर शहवत पैदा हो सकती है। इसी तरीके से मुसलमान मर्दों पर भी यह हुक्म लाजिम है कि वो किसी नामहरम को देखें तो सबसे पहले अपनी नज़रें झुका लें, पहली बार गलती से जो नज़र पड़ जाए तो उस पर कोई उज़र नहीं है, लेकिन अगर कोई पहली नज़र को ही इतना तवील कर ले कि वो इससे लज्जत हासिल करना चाहे तो फिर इस पर पकड़ है। लिहाजा मुसलमानों को अपनी आँखों को झुकाने, मुसलमान मर्दों को अपनी आँखों को झुकाने का हुक्म दिया गया है। अब नाज़रीन गिरामी, आपको उस सोशल एक्सपेरिमेंट के मुतल्लिक बताते हैं। इस वक्त सोशल मीडिया पर ये एक वीडियो गर्दिश कर रही है जहाँ पर एक खातून जीन्स शर्ट पहने, एक ऐसा लिबास पहने लिफ्ट के अंदर मौजूद है कि जिसे देखकर कोई भी मर्द उसकी तरफ रागब हो सकता है। इसी लिफ्ट के अंदर एक कैमरा भी मौजूद है और सोशल एक्सपेरिमेंट के नाम पर इस सारे मंजर को रिकॉर्ड किया जा रहा है। एक बारिश नौजवान इस लिफ्ट में दाखिल होता है और खातून लिफ्ट के दरवाजे को बंद करने का बटन दबा देती है। लिफ्ट चलने लगती है तो खातून इसको मुस्कुराकर देखती भी है और यूं मुस्कुरा रही होती है कि जिससे कोई पैगाम इस नौजवान तक पहुंच सके, लेकिन ये नौजवान इस खातून की तरफ नहीं देखता, बल्कि ये दीन इस्लाम के हुक्म पर अमल करते हुए अपनी नज़रों को झुकाए रखता है उस वक्त तक के जब तक दोबारा दरवाज़ा नहीं खुलता
और ये बाहर नहीं निकल जाता। यानी उसके पास ये मौका मौजूद था कि वो खातून से बात भी कर सकता था, उसके साथ हंसी मजाक भी कर सकता था और खलवत के इन लम्हों में हद भी अबूर कर सकता था। और खातून ये सोशल एक्सपेरिमेंट करने के लिए शायद इस चीज़ के लिए राज़ी भी थी। लेकिन नाज़रीन गिरामी, वो ये जानता था कि जहाँ इस बंद लिफ्ट के अंदर उसे कोई नहीं देख रहा, वहाँ उसका रब उसे देख रहा है और इस नौजवान ने इस उसूल पर अमल किया। लेकिन नाज़रीन गिरामी, हम आज सोशल मीडिया पर और रिवायती मीडिया पर भी ऐसे बहुत से वाक़यात देखते हैं जहाँ पर पहले पहल ये दोस्तियाँ शुरू की जाती हैं, गैर महरम मर्द व खातून एक दूसरे के साथ वक्त गुजारते हैं, शादी नहीं कर पाते और शादी ना करने की बहुत सी वजूहात बताई जाती हैं, जिसमें अव्वल ये कहा जाता है कि पहले अपना कैरियर बनाना है, पैसे कमाने हैं, घर गाड़ी की डिमांड पूरी करनी है और इसके बाद शादी की जाएगी। बाद अज़ां जब उनकी शादी हो जाए तो उसमें भी बहुत से मसाइल पैदा हो जाते हैं, लेकिन जब बहुत लंबे अरसे तक उनकी शादी नहीं होती, वक्त गुजरता जाता है, वो एक दूसरे के साथ वक्त गुजारने लगते हैं, तो फिर वो अपनी हद को अबूर कर देते हैं और कुछ ऐसे काम भी हो जाते हैं जिनकी किसी सूरत शरीयत में कोई इजाज़त नहीं, बल्कि उन पर पकड़ और उन पर सज़ा है। फिर इसके बाद जब उनकी शादी हो भी जाए तो उनमें दोस्ती नहीं हो पाती। दोस्ती जो एक मर्द और एक खातून में होनी चाहिए, इसके लिए सबसे बेहतर है कि मियां बीवी के माबैन दोस्ती हो, ताकि वो अपनी ज़िंदगी को एहसन तरीके से और खुशगवार तरीके से गुजार सकें। लेकिन अगर ऐसा ना हो पाए तो वो महज दो मशीनें हैं जो सुबह से रात तक काम करती हैं। मर्द अपनी सोच के मुताबिक काम कर रहा होता है, खातून घर में अपनी सोच के मुताबिक काम कर रही होती है और ऐसे घरों में नाचाकी, लड़ाई, मसाइल, बेबरकती बहुत आम तौर पर देखने को मिलते हैं। नज़रीन गिरामी, इसी तरीके से हदीस मुबारका है, सुनन इब्न माजा में आता है कि दो मोहब्बत करने वालों के अंदर सबसे खूबसूरत रिश्ता मियां बीवी का हो सकता है। यानी अगर आप किसी को पसंद करते हैं, उसके साथ वक्त गुजारना चाहते हैं, तो सबसे पहले ये कीजिए कि निकाह का पैगाम भिजवाइए, उससे निकाह कर लीजिए और उसे अपनी इज्जत बनाकर अपने घर ले आइए। इसके बाद आप जिस तरह से चाहें उनके साथ वक्त गुजार सकते हैं। और बसूरत दीगर, अगर आप किसी ऐसे माहौल में हैं जहां पर मर्द व ख़वातीन एक साथ मौजूद हैं और आप इसको तब्दील नहीं कर सकते, तो कम से कम आप ख़ुद पर तो दीन इस्लाम के अहकामात को लाजम कर सकते हैं और ख़ुद पर तो दीन इस्लाम के अहकामात को अमल करने पर रागब कर सकते हैं। चुनाचे अपनी आँखों को झुका लीजिए, आँखों से, ज़बान से, हाथों से ऐसा कोई अमल ना कीजिए कि जिससे आपकी पकड़ हो सके और ये आपके लिए रोज़े महशर बाइस से शर्मिंदगी बन सके। आप कम अज़ कम अपनी ज़ात पर इस्लाम को लागू कीजिए, तो इसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी ज़िंदगी में, आपके कारोबार में और ज़िंदगी के दीगर मामूलात में बरकत पैदा कर देगा। आमीन या रब्बुल आलमीन। उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की ये काविश और वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करके शेयर करना मत भूलिए और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हमारी आने वाली तमाम नई वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें।